हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का कॉम्प्लेक्स, जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है, परिभाषा कि किसी ग्रुप जी का नॉन एम्प्टी सबसेट, चाहे वह सब ग्रुप हो या ना हो, ठीक है, हो या न हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप जी का एक सम्मिश्र कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि कोई ग्रुप है, जैसे जैसे जी वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, ये गुणन संक्रिया के लिए क्या था? एक ग्रुप था। ठीक है, क्या था? ग्रुप था। अब ये हमें पता है, इसके सम्मिश्र मान लीजिए, जैसे एच ले लिया आयोटा और माइनस आयोटा, और के माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गए, ये यहाँ यहाँ एच व के ग्रुप जी के क्या है? दो कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र है, दो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में सम्मिश्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां से H और K क्या है, ये H भी ग्रुप नहीं है, ठीक है, और ये K भी ग्रुप नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये H और K ग्रुप ही हो। सब ग्रुप हो कहने का मतलब, सब ग्रुप यानी इसके G के सब ग्रुप हो, ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, बस इसका G का सबसेट होना चाहिए, क्या? जी का नॉन एम्प्टी, एम्प्टी। अब देखो, जी का ये एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, ये भी जी का सबसेट है, ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं है? नॉट ए कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्या नहीं है? सम्मिश्र नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी है, जबकि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? नॉन एम्प्टी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, जो चाहे सब ग्रुप हो या न हो, क्या कहलाता है? जी का एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है, सम्मिश्र कहलाता है। अब देखिए, एक नोट देखिए स्टूडेंट, यहाँ से नोट ये है, एच और के किसी ग्रुप जी के दो सम्मिश्र हो, तो क्या है एच और के? क्या है? कोई ग्रुप जी है, उसके दो सम्मिश्र है, यानी कॉम्प्लेक्स है। तो एच के को कैसे डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है? एच के को ऐसे परिभाषित किया जाता है कि ये है बड़ा एच बड़ा के, कैपिटल एच कैपिटल के, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा कि एच के स्मॉल एच स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल एच को ऐसे दर्शाते हैं, ऊपर ये चोटी बना देते हैं, और स्मॉल के को ऐसे, ठीक है, जहाँ पे एच कहाँ पे आ रहा है? एच से, एच किसका अवयव है? एच का, और के अवयव है के का, ठीक है, ऐसे ही एच इनवर्स, एच इनवर्स क्या है ये? मीन्स जो सम्मिश्र एच है इसका प्रतिलोम, क्या हुआ? प्रतिलोम, सम्मिश्र एच का प्रतिलोम। ठीक है, तो क्या होता है एच इनवर्स बराबर स्मॉल एच इनवर्स, और एच का किसका अवयव है? कैपिटल एच का, सम्मिश्र एच का अवयव है। ठीक है, अब यहां से स्पष्ट हमारे को समझ में आ रहा है कि एच के भी सबसेट है किसका? जी का, और एच इनवर्स भी सबसेट है जी का। ठीक है, वो कैसे, ये भी समझाते कैसे। देखिए स्टूडेंट, एच के में एच और के इस टाइप से एलिमेंट आ रहा है, जहां पे एच क्या है? एच
सम्मिश्र एच का अवयव है और के सम्मिश्र के का अवयव है। अब चूंकि एच बी सबसेट है जी का, ठीक है, और के बी सबसेट है किसका, जी का, ठीक है, तो एच का प्रत्येक अवयव जी में होगा, ऐसे ही के का भी प्रत्येक अवयव जी में होगा, ठीक है। तो ये एच और के कहां बिलोंग करेंगे, एच और के किसके भी अवयव होंगे, जी के भी अवयव होंगे, ठीक है, तो जी के अवयव होंगे, तो चूंकि जी ग्रुप है, जी ग्रुप है तो एच के करेंगे तो क्या आएगा, अगेन एच जी में आ जाएगा, ठीक है, अगेन जी में आ जाएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से आ जाएगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है स्टूडेंट, एच के भी क्या आ जाएगा, जी में आ जाएगा ये भी, क्योंकि एच एच का अवयव है और के का अवयव है, तो ये एच और के क्या है, जी के सबसेट है। अब जी के सबसेट है तो एच और के किसका अवयव होंगे, जी के भी अवयव होंगे। अब चूंकि जी ग्रुप है, जी क्या है यहां से, ग्रुप है, तो ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से एच के क्या आ जाएगा, जी में आ जाएगा। जी में मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एच के का प्रत्येक अवयव किस टाइप का है, इस टाइप का, और ये प्रत्येक इस टाइप के अवयव किस में आ रहे हैं, जी में, तो ये किसका सबसेट हो गया, जी का, किसका सबसेट, जी का। ऐसे ही अब देखिए एच एच अब इससे देखना, इसमें एच इनवर्स में अवयव आ रहे हैं, एच किस टाइप के, एच इनवर्स टाइप के, ठीक है। अब एच सबसेट है जी का, ठीक है, तो यहां से एच का प्रत्येक अवयव एच इस टाइप का जो एच होगा वो जी का भी अवयव होगा, ठीक है। अब चूंकि जी ग्रुप है तो जी के प्रत्येक अवयव का क्या होगा, इनवर्स भी होगा, इनवर्स भी जी में होगा, जैसे एच अगर जी में है तो एच इनवर्स भी क्या होगा, जी में होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो आ रहा है एच इनवर्स, ये क्या होगा, जी में होगा इस टाइप के एलिमेंट, ठीक है, तो एच इनवर्स किसका सबसेट हुआ, जी का, तो ये भी हमारे को स्पष्ट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका सिंपली, जैसे g बराबर 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, और ये गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है, ये आप बुक में देख लेना, बुक का ये एग्जांपल है, ठीक है, शायद गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसके दो सम्मिश्र ले रहा हूँ, ठीक है, क्या लेता हूं, h बराबर 1 और -1 व k बराबर आयोटा, ग्रुप g के क्या है, दो सम्मिश्र है, दो सम्मिश्र है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखिए इनका पहला जो है वो निकालते हैं एच के, क्या एच के, एच के क्या होगा, यहां से इन दोनों का मल्टीपल एच का और के का, तो पहला अवयव एच का जैसे 1 क्या हो गया, 1 और आयोटा, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, -1
और आयोटा, तो ये किसके बराबर होंगे, आयोटा और माइनस आयोटा गुणा होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही दूसरा एच इनवर्स, अब एच इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन एच, इस टाइप से भी होगा ना ये, ठीक है। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, ये वन अपॉन एच टाइप के एलिमेंट होंगे। तो एच इनवर्स बराबर ये है, तो ये वन है तो इसको वन अपॉन एच लिखेंगे, ऐसे वन जो एच इनवर्स है इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन एच इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग यही होता है एच इनवर्स का। तो वन अपॉन वन और वन अपॉन माइनस वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन और माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, अब एच इनवर्स जो है ये और एच के, ये क्या हो गया, एच के क्या आ गया, आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो आयोटा और माइनस आयोटा क्या है, ग्रुप जी है, लेकिन आयोटा और माइनस आयोटा ग्रुप जी में आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ग्रुप जी का सबसेट हुआ। ऐसे ही वन और माइनस वन भी आ रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, किसका सबसेट हुआ, जी का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ से थ्योरेटिकली समझ में नहीं आया हो तो एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट, आप इनको सम्मिश्र को अब हम अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसका एक रिजल्ट देखेंगे, और बुक में एक दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं, उनको भी आप देखना, ताकि आपका जो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जो होता है, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, थ्योरम नंबर सेकंड, थ्योरम हम बुक से लिख लेते हैं, यह अब देखिए, किसी किसी ग्रुप जी का एरिक्ट एरिक्ट उपसमुच्चय एरिक्ट उपसमुच्चय किसी ग्रुप जी का एरिक्ट उपसमुच्चय एच एक उपग्रुप होगा, एच एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग रही है, ठीक है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी इनवर्स, ये भी किस में बिलोंग करे, एच में, ठीक है। तो ये है थ्योरम कि किसी ग्रुप जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, तो एच सब ग्रुप कब होगा, यदि और यदि, यदि और केवल यदि एच सब ग्रुप होगा, इफ एंड ओनली इफ ए और बी एच के कोई दो अवयव ले तो ए बी इनवर्स क्या आएगा,
एच का अवयव होगा। ठीक है, अगर ऐसा है, ये जो प्रतिबंध है, ये कंडीशन है, अगर ये फॉलो करे तो एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा, और एच सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा, सबसे पहले प्रतिबंधों की आवश्यकता नेसेसरी कंडीशन ठीक है स्टूडेंट, क्या है नेसेसरी कंडीशन। तो यहां से माना हम सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे एच क्या दे रखा है, एच कोई नॉन एम्प्टी जो फाई के बराबर नहीं है और जी का सबसेट है। ठीक है, ये ऐसा कोई सबसेट सेट दे रखा है जो जी का सबसेट है और नॉन एम्प्टी नहीं है, मतलब नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो एच सब ग्रुप होगा ए बी इंप्लाइज ए बी इनवर्स एच। तो ये दो चीज है, एक तो ये है और एक ये है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं ये मान के चलूं तो ये दिखाना है, ये लाना है, और अगर ये मान के चल रहा हूं तो ये लाना है, ये दिखाना है, ये शो करना है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे फर्स्ट में, आवश्यक प्रतिबंधों में, प्रतिबंधों की आवश्यकता में, कि एच सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है, एच क्या है, एच एच सब ग्रुप है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए और बी कोई दो एच के एलिमेंट ले लेंगे हम, और फिर दिखा देंगे कि ए बी इनवर्स एच में आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो सही है, फिर एक बार तो हम ये मान के चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे इधर वाला। ठीक है, एक बार हम ये मान के चलेंगे और एच को सब ग्रुप दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इफ एंड ये किसका है, इफ एंड ओनली इफ का, ये मैं पहले बताया था, ये इफ एंड ओनली इफ को आई डब्ल्यू एफ से लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यदि और केवल यदि, इसका हिंदी में ये होता है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, यदि और केवल यदि। ठीक है, तो दोनों तरफ से, कहने का मतलब दोनों तरफ तीर है ना, तो इसको दोनों तरफ से क्या करना है, सिद्ध करना है। जब दोनों तरफ तीर आ जाए तो दोनों तरफ से सिद्ध करना पड़ता है स्टूडेंट। तो यहां से हम सबसे पहले क्या मानेंगे, एच को जी का सब ग्रुप मान के चलेंगे। माना एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो सबसे पहले माना एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है। ठीक है, क्या है, सब ग्रुप है। और माना ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी क्या रहे हैं, एच में है। तो
के ए बी एच में होगा और बी इनवर्स बी एच में होगा। क्यों होगा बी इनवर्स? क्योंकि वहां से बी एच का अवयव है तो बी इनवर्स एच का अवयव होगा, क्योंकि चूंकि एच एक ग्रुप है, एच एक उपग्रुप है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट करेगा, एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होगा ही होगा, तो इसलिए ठीक है। अगर ऐसा है तो ए एच का है और बी इनवर्स भी एच का है, तो ए बी इनवर्स बी एच का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि एच क्या है, एच सब ग्रुप है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, तो एच सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि वो खुद ग्रुप भी होगा ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये दोनों इनके बीच में संक्रिया लग जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये हमारे को सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, ये लाना था ये कंडीशन कि ए और बी हम एच में मान के चल रहे हैं, तो हम ये दिखा दिए ए बी इनवर्स बी एच का अवयव है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया प्रतिबंधों की आवश्यकता। ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध, क्योंकि एक ही प्रतिबंध है ना यहाँ पे, प्रतिबंध की पर्याप्तता, नेसेसरी कंडीशन, सॉरी सफिशियंट कंडीशन आएगा, सफिशियंट सफिशियंट कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट। तो सफिशियंट कंडीशन क्या होगी, अब हम मान के चलेंगे ये, ठीक है, माना दिया हुआ प्रतिबंध सत्य है सबसेट एच के लिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा, माना एच में दिया गया प्रतिबंध सत्य है, ठीक है, माना एच में दिया गया प्रतिबंध सत्य है, अर्थात ए बिलोंग्स टू ए एच का अवयव है और बी एच का अवयव है, देन ए बी इनवर्स भी एच का अवयव होगा। अर्थात कहने का मतलब वो प्रतिबंध कौन सा है, ये प्रतिबंध, ये एच में क्या है, सत्य है, तो ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से कि ये प्रतिबंध सत्य है इसके लिए, एच के लिए, तो हमें एच को सब ग्रुप दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि एच एरिक्ट समुच्चय है, क्या है, एरिक्ट उपसमुच्चय है, चूंकि एच एक नॉन एमपीटी सबसेट है, इसलिए
इसलिए एच में कम से कम, चूंकि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इसलिए एच में कम से कम एक अवयव होगा, कम से कम एक अवयव है, ठीक है। तो एक अवयव क्या होगा, तो मान लेते हैं, माना एक अवयव ए है, माना ए बिलोंग्स टू एच, ये मान लेते हैं कि ए एच में है, क्या है ए, ठीक है। तो यहां से अब हम देखते हैं, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा, मैं इसको डिब्बे में पैक कर देता हूँ ताकि ये हमने वो बता रहे हैं हम क्या मान के चल रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान ली, कम से कम एच नॉन एम्प्टी है ना, मीन्स इसमें कम से कम एक अवयव तो होगा ही, खाली नहीं है ये, तो खाली नहीं है तो एक अवयव होगा, तो एक अवयव कौन सा होगा, हमने मान लिया ए होगा, क्या होगा ए, तो ए होगा, तो हम जो मान के चल रहे हैं ये प्रतिबंध सत्य है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एच और दो अवयव ले लिए और दूसरा भी क्या है ए, क्योंकि ये तो हम मान के चल रहे हैं ना एच का अवयव है ए टू, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रतिबंध से ये भी और बी भी क्या ले लिए, ए ही ले लिए दूसरा भी, तो ए और ए इनवर्स एच में आएगा क्योंकि ये प्रतिबंध सत्य है, तो ए और दूसरा अवयव हमने क्या लिया है, यहाँ तो बी है लेकिन हमने क्या लिया है ए ही लिया है ना, यहाँ से हमने दूसरा अवयव भी क्या लिया है ए ही लिया है, तो पहले अवयव और ये दूसरा अवयव का इनवर्स, तो दूसरा अवयव भी क्या है ए ही है, तो दूसरा अवयव का इनवर्स, जैसा कि यहाँ पे दूसरा अवयव बी था तो बी का इनवर्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ से ए ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाता है, तो ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, क्या हो गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एच में तत्समक अवयव विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है मतलब उपस्थित है, एच में तत्समक अवयव उपस्थित है, क्योंकि ई किस में आ रहा है, एच में ई क्या है, एच का अवयव है यहाँ से, तो ए तो अवयव है ही एच का, लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ई भी एच का अवयव है, ये हमारे को मिल गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी, अब देखना इधर से, ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी संतुष्ट तत्समक आइडेंटिटी वाली, ठीक है, ठीक है, ये पता चल गई। ऐसे ही माना अब बी में कोई स्वेच्छ अवयव मान लेंगे, सॉरी एच में कोई स्वेच्छ अवयव बी मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्या मान लेंगे बी, देखना, माना माना एच का कोई स्वेच्छ अवयव बी है, ठीक है, तो क्या होगा,
तो यहाँ से ई बी एच में आता है, ई बी क्या है, एच का अवयव हो ऊपर से, ठीक है स्टूडेंट। और बी बी, बी हम यहाँ से मान लिया ना, बी क्या है, एच का कोई स्वेच्छ अवयव है मान लिए, तो ये कंडीशन से लगाएंगे पहला एलिमेंट ई है, दूसरा क्या है बी इनवर्स, ठीक है। ये किस में आ रहा है, एच में, और इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी से किसी भी अवयव के साथ संक्रिया लगाएंगे तो खुद वही दूसरा अवयव ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये हम जानते हैं, आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गया, ये आ जाएगा बी इनवर्स, यहां लिख देता हूं बी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया अपने, वो इससे पता चला है, क्योंकि हम तो स्वेच्छ अवयव लेके चल रहे थे ना, ठीक है, स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा से कोई भी अवयव, इसका मतलब है एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, क्यों क्यों विद्यमान है प्रतिलोम, क्योंकि हम बी कोई स्वेच्छ अवयव लेके चल रहे थे और उसका इनवर्स भी एच में ही आता है, ठीक है। तो अगर किसी स्वेच्छ अवयव का इनवर्स भी एच में आता है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, क्योंकि हम कहीं पे भी ये थ्योरम ही नहीं, किसी दूसरे रिजल्ट में भी अगर हम स्वेच्छ अवयव लेके चलते हैं, या स्वेच्छ अवयव हो या स्वेच्छ सेट हो या कुछ भी हो स्वेच्छ, तो अगर स्वेच्छ पे अगर कंडीशन लागू होती है तो इसका मतलब है कि उसके प्रत्येक अवयव पे वो कंडीशन लागू होगी, तो ऐसे ही यहाँ पे किया हमने, इसीलिए स्वेच्छ अवयव भी लिया था, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई, आइडेंटिटी और इनवर्स की, यहाँ से एक चौथी प्रॉपर्टी भी हो गई इनवर्स वाली, ठीक है, ये भी हो गई। अब देखिएगा, ए बी हम मान के चले थे ए में है, और बी बी सॉरी ए बी एच का अवयव है और बी बी एच का अवयव है, ठीक है स्टूडेंट। और यहां से क्या आ गया, बी इनवर्स भी एच का अवयव है, देखो ए बी एच का अवयव है और बी इनवर्स भी एच का अवयव है वहां से, तो जो प्रतिबंध हमने लिया था ये वाला, तो इसमें पहला अवयव क्या है ए, और दूसरा अवयव बी इनवर्स है, दूसरा बी इनवर्स है ना, तो दूसरे अवयव का इनवर्स, तो ये क्या हो गया, ये भी एच का अवयव होगा, और ये क्या हो गया दूसरा अवयव, ये इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, इसका हुआ ए, और किसी अवयव का दो बार इनवर्स लिया जाए तो खुद वही अवयव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये, यहाँ से पता चला कि जो सेट एच है सबसेट, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही है, क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है, एच में इसका मतलब है एच जी की द्विचर
संक्रिया के लिए समर्थ है। ठीक है, हमने ये क्यों बोला कि जी की द्विचर संक्रिया के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने एक रिजल्ट प्रूफ कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि एच में और जी अगर उसका कोई उपग्रुप है तो वो क्या होता है, दोनों में एक ही संक्रिया के लिए वो ग्रुप होते हैं और दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेम होता है और प्रत्येक अवयव का इनवर्स भी दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्विचर संक्रिया अगर होगी तो दोनों में सेम होगी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी कब होगी, समवर्त प्रॉपर्टी के लिए कोई द्विचर संक्रिया भी चाहिए ना, और द्विचर संक्रिया क्या होगी, हमने बता दिया कि जी वाली ही द्विचर संक्रिया होगी। अब पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी क्लोजर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हम कह सकते हैं चूंकि जी क्या है, ग्रुप है, जी क्या है, देखिए यहां से ग्रुप है, ये देखिए किसी ग्रुप जी, तो जी क्या है, ग्रुप है ना, यहां से तो हम कह सकते हैं चूंकि जी एक ग्रुप है, इसलिए नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको कि चूंकि H किसका सबसेट है, G का। ठीक है, चूंकि H G का सबसेट है और जी एक ग्रुप है, इसलिए इसलिए जी में सहचारिता, इसलिए जी में सहचारिता गुणधर्म का पालन होता है। ठीक है, इसलिए जी में सहचारिता गुणधर्म का पालन होता है। हमने क्या माना है, ये माना नहीं है, हम जो जानते हैं वही लिख रहे हैं कि एच क्या है, ऊपर से जी का सबसेट है और जी क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप है तो जी क्या होगा, जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट करेगी, यानी सहचारिता गुणधर्म का पालन होता है जी में, क्योंकि जी ग्रुप है ना, तो इसलिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या होगा, एच इसका सबसेट है ना, तो एच का एच भी सहचारिता गुणधर्म का पालन करेगा, अतः एच भी सहचारिता गुणधर्म का पालन करेगा, अतः एच भी सहचारिता गुणधर्म का पालन करेगा। ठीक है, और इसके नीचे एक लाइन और लिख देना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर दिया। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्यों, कौन किया है, एच, तो इसका मतलब क्या है कि एच जो है वो क्या है, ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इसके नीचे एक लाइन लिख देना, अतः एच जी का अतः एच जी का सब ग्रुप है। ठीक है, अतः एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये
आप लिख देना, ये हम एच को क्या दिखा दिए, जी का सब ग्रुप दिखा दिए और ये मान के चले थे, ठीक है ये कंडीशन, और बाकी ये सब आप मिटा दीजिए। तो आज हमने ये रिजल्ट समझा और कॉम्प्लेक्स ओके ग्रुप क्या होता है ये हमने समझा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप का एक रिजल्ट देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।